प्रगतिशील अधिवक्ता संघ के नई कार्यकारिणी के गठन के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में किया गया, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारतीय, मंत्री भरत कुमार उपाध्यक्ष, अवनीत कुमार मंगल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी प्रमोद धर दुबे, संगठन मंत्री मुकेश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष महामहेंद्र चंद्रा, कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार पासवान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारतीय ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए इस संगठन का गठन किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया जा सके। उन्होंने बताया, चंद्रिका प्रसाद भारती अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच पर मंचासीन संरक्षक मंडल और तमाम हमारे अधिवक्ता साथी उपस्थित हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हमारे श्रद्धेय वीरेंद्र दुबे जी भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और हम लोग आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश में और पूरे देश में देखा जा रहा है कि आज भी न्याय व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हमारी सरकारें लगातार काम कर रही है, फिर भी अधिवक्ताओं का जो हित है वो आज तक भी अधिवक्ताओं के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अधिवक्ताओं को, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को जो स्टाइपेंड देना चाहिए था 5 वर्षों तक, वो भी व्यवस्थाएँ नहीं हुई है। वो भुखमरी के शिकार अधिवक्ता बंधु हैं जो कनिष्ठ साथी हैं, और अधिवक्ताओं के जितने सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है।